तो नमस्कार किसान भाई। किसान भाई, आपको जो नेपियर ग्रास लगाते हैं तो जिसके बाद में आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको जो कौन से खाद लगाना चाहिए, कौन से खाद जाके अच्छी क्वालिटी के ऊपर जा पाओगे। सारे पौधे अंकुरण इस तरीके से भेजे जाते हैं, ये देख सकते हो इनके अंदर पौधे के अंदर अंकुरण है। जिस भी पौधे को उठाओगे इसके अंदर देखो खाद की, या फिर तो एक ही खाद बताएगा या फिर कौन से कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, ताकि वो सारी परफेक्ट जानकारी नहीं देते हैं। तो ये वीडियो के अंदर आपको परफेक्ट जानकारी मिल जाएगी, कितने आपको खाद की मात्रा लगाना है, एक बीघे के अंदर कितना लगाना है, जिसके एवरेज पे आप सारा कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना। हालांकि थोड़ा कम ज्यादा तो आपको चल जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको जब शुरुआत में जब लगाते हो जिसके बाद में आपको अच्छी बढ़वार चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी खाद की यूज करना चाहिए ताकि आपको परफेक्ट अच्छा ग्रोथ मिले और पौधा भी अच्छा मॉइस्चर वाला, अच्छा हाइट, सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। और आपने पहले से ऑलरेडी लगा रखा है और आपको अच्छी हाइट नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें यूज करना ताकि आपको परफेक्ट जानकारी मिल जाएगी, ताकि एक अच्छी तरीके से आप इस खाद को यूज करके आप अच्छा प्रोडक्शन इसका ले सकते हो। और वैसे नेपियर के नाम से काफी ज्यादा जो नेपियर घास में सबसे बेस्ट क्वालिटी है एक ताइवान जैट किंग, तो ताइवान जैट किंग के लोग कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। तो ताइवान जैट किंग वैरायटी के नाम से मैं आज 11 साल से काम कर रहा हूँ, और जो मेरे को नॉलेज है वो शायद हर कोई किसी को नहीं होगी, वो नॉलेज हर किसी किसान को नहीं होगी, और शायद वो जितना भी जो सेल कर रहे हैं वो सारे इतना ही बेवकूफ़ बनाते हैं। और अगर ओरिजिनल क्वालिटी की क्वालिटी आप खुद देखो, इस तरीके का इसका मॉइस्चर वाला पौधा रहता है, जिसका ऐसा मक्के जैसा सेम पौधा होता है, जो काफ़ी सारे किसान भाई मेरे से मतलब जो कहीं से भी खरीदा हुआ है और वो ताइवान जैट किंग के नाम से खरीद रहे हैं, और जब जाके मेरे को खुद वो बुलाते हैं कि आपका जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे, सब कुछ पे करेंगे, लेकिन जब आप एक बार चेक करो कि ताइवान जैट किंग है या नहीं है, तो वहाँ पर जाके देखता हूँ तो भाई उनका तो पौधा ही अलग तरीके का होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर आपको नेपियर की अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी चाहिए, तो आप किसान डेयरी बिजनेस 11 साल पुराना फार्म, इसके अंदर आपको हर तरीके की सिक्योरिटी मिलेगी और ना आपके साथ में कोई धोखा होगा। तो इसलिए आपको अगर अच्छी क्वालिटी के पौधे खरीदने चाहिए नेपियर ग्रास के ताइवान जैट किंग वेस्ट वैरायटी का, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप आराम से खरीद सकते हो। उसमें कोई भी तरीके कोई शिकायत नहीं आएगी, ना वैरायटी के नाम पर डिफेक्ट आएगा और कुछ भी नहीं आ सकता आपको, ना पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आप हर तरीके से सेफ रहोगे। तो चलिए अब मेन मुद्दा आता है कि हमको खाद कितने मात्रा में लगाना है। चलिए, अगर ग्रोथ चाहिए आपको और अच्छा इसके अंदर सब चीज़ चाहिए, तो आपको सबसे पहले खाद कौन सा यूज करना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जो से अपन इंसान के लिए सभी चीज़ जरूरतमंद होती है, उसी तरीके से इस भी जो खेती है नेपियर की, जब किसी भी तरीके की फसल है उसको भी सारी उर्वरक की जरूरत होती है, सारे पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो वो सारे पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे तभी जाके हमको अच्छा एक प्रोडक्शन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ही खाद का यूज करते हैं, या तो नाइट्रोजन कर लेते हैं या यूरिया बोलते हैं नाइट्रोजन को, तो वही खाद यूज करते हैं, या फिर डीएपी को यूज करते हैं, तो डीएपी को भी बहुत कम लोग यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक एकड़ जो एक बीघा खेत के अंदर आपको 30 केजी आपको डीएपी लेना है दो नाइट्रोजन, और 15 केजी आपको डीएपी लेना है, और 10 केजी आपको पोटास लेना है। अब ये पोटास, डीएपी और नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, इनके अंदर अलग अलग पोषक तत्व की मात्रा होती है। तो यानी कि अब हम जब इसके अंदर सारे पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे, और एक और खाद आता है कि जो एनपीके 19:19 के नाम से, तो वो भी आप लगा सकते हो, एक से दो केजी 3 केजी आराम से लगा सकते हो एक बीघा के अंदर, जो 20 का बीघा होता है उसके अंदर की मात्रा बता रहा हूँ। अब आप कितना एरिया है उस हिसाब से आप आराम से जो कर सकते हो कैलकुलेट कि कितनी जमीन के अंदर कितना लगाना है। तो एक 20 का बीघा होता है उसके अंदर आपको 30 केजी नाइट्रोजन, 15 केजी जो डीएपी और 10 केजी आप आराम से उसके अंदर पोटास ले सकते हैं। अब जैसे किसान भाई, ये पौधे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये लगा हुआ पौधे हैं और किसी दूसरे के फार्म पे आया हूँ मैं, जो कि मेरे से जो खुद मेरे गांव के पास में ही, तो वहाँ से ये पौधे खरीदे हुए हैं, तो उन्होंने थोड़ा ट्रायल बेस के लिए लगाया है आधा बीघा के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके की ग्रोथ है, हालांकि इन ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर भी काफ़ी अच्छा, जैसे पौधा काफ़ी फूटान पर रहता है, यानी जो लोग कहते हैं ना कि एक पौधे से कितनी फूटान मिलती है, जो ताइवान जैट किंग के अंदर आराम से आप गिन सकते हो ये कितनी फूटान है, 10 से 15 फूटान आराम से होगी, और ये सारी फूटान गिन सकते हो और ये सारी फूटान गिन सकते हो, यानी कि 10 से 15 फूटान आराम से प्रति पौधे के अंदर आ जाती है। लेकिन हमको जो खाद लगाने की मात्रा है वो कैसे लगानी है, जब हमारा इससे भी छोटे हाइट का पौधा है तो ये खाद होते हैं, और इसके अंदर लाल कलर का जो पोटास का खाद होता है वो उसको और ऐड कर लेना। तो इसको तीनों को मिलाने के बाद में आप आराम से एक पौधे के ना तो जड़ में देना है, जैसे ये पौधा है, अब इसके दूर दूर के अंदर देना है, जैसे दूर दूर पे आपने 10-15-20 ग्राम दे दिया, अब इसके अंदर गुड़ाई कर देना है। अब जैसे हर पौधे के अंदर आप इस तरीके से ही दे सकते हैं, यानी कि पौधे के जड़ में नहीं जाना चाहिए, और इस तरीके से आप लगा सकते हो, और इन तीनों खाद को, चार खाद को आराम से मिलाकर लगाइए, ताकि आपको एक अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और अभी प्रेजेंट में मैं आपको गिनवा देता हूँ कितनी फूटान होती है एक पौधे के अंदर, तो ये सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बेस्ट ग्रोथ मिलेगी तो आपको ताइवान जैट किंग के अंदर मिलेगी। और जो मक्के जैसा पौधा बताता हूँ, तो आप ये खुद देख लीजिए अभी कितना छोटा पौधा है, लेकिन इसकी ग्रोथ मोटा ही, सारी चीज़ कैलकुलेट कर लीजिए, ये सारे इफेक्ट आप देख लीजिए, और जब जैसे जब बड़ा होगा तो उसके अंदर और भी ज़्यादा मोटाई आ जाएगी ऑटोमेटिक।
तो आप अगर ओरिजिनल ताइवान जाइट किंग खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट यही पहचान होती है, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है और इसकी क्वालिटी इतना अच्छा आता है जो कि पशु खाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप खाद लगा सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों किसान भाई आप समझ गए हो किस तरीके से आपको खाद लगाना है और ये सारे प्रोसेस करोगे तो आपको अच्छे लेवल की ग्रोथ मिलेगी। जैसे ये पौधे दिख रहे हैं, ये 30-25 दिन का पौधा है और जैसे इसका पौधा बन जाएगा जिसके बाद में ऑटोमेटिक ग्रोथ आई पे चल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हमारे साथ में अगर स्टिक खरीदना चाहते हो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और भी कुछ भी क्वेश्चन सवाल हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो ताकि आपकी जो क्वेश्चन हो उसका हेल्प कर सको।